डायमंड सेट ही गिफ्ट कर दिया गया, वो भी मांगनी पे। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ही निकलेगा? हाँ, ये सब देखकर अभी से तुम्हारे घर वालों ने बुनियाद रख दी देवरानी जेठानी के फर्क की। वहीं तुम गलत समझ रही हो यार, अम्मी को इल्म भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, भाई इतना बड़ा गिफ्ट कर देंगे भाभी को, और तुमने अम्मी के रिएक्शन से नहीं देखा उन्हें खुद कितनी बुरी लगी ये बात। क्या फर्क पड़ता है हाँ, उन्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम्हारे घुलने और मिसने भाई ने जो करना था वो तो कर लिया। पहले तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी और अब देखो कैसे लट्टू हो गए। डायमंड सेट गिफ्ट कर दिया, वो भी मंगनी पे, वाह। अच्छा प्लीज प्लीज जाने दो ना यार, छोटी सी बात है प्लीज। कैसे छोड़ दूं मैं? हाँ, मेरी मंगनी पे क्या दिया था तुम लोगों ने मुझे? शादी पे भी एक रिंग पे टरखा दिया मुझे। नबील, मुझे डायमंड का सेट चाहिए, बिल्कुल रूमी जैसा। यार माहिन, अभी पिछले दिनों तो मैंने तुम्हें अम्मी से गोल्ड का सेट लेके दिया। गोल्ड के सेट में और डायमंड के सेट में जमीन आसमान का फर्क है, ये बात फाइनल है। मुझे डायमंड का सेट चाहिए, वो भी असद भाई की शादी से पहले, बता रही हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, भाई तो बिजनेस रन कर रहे हैं ना, मैं कहाँ से ला के दूंगा? एक मिनट, क्या मतलब असद भाई बिजनेस रन कर रहे हैं? हाँ, वो अपना पर्सनल बिजनेस नहीं कर रहे, तुम्हारे अब्बू का है, इक्वल पार्टनर हो तुम दोनों, जैसे वो खर्च करते हैं तुम भी कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ नबील, तुम जाकर उनके साथ बिजनेस संभालो ताकि तुम भी अपने राइट से इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अगर आज ही तुम मेरी अहमियत का एहसास नहीं दिलाओगे तो कल को इस घर में तो मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। अच्छा, परेशान नहीं हूँ ना, मैं करता हूँ कुछ प्लीज। कुछ करता नहीं हूँ, मुझे डायमंड सेट चाहिए, बस ये फाइनल है। ओके, तुम तो परेशान नहीं हो ना, प्लीज परेशान नहीं, मुंह ठीक करो अपना, डायमंड सेट ला दो और खुद ही ठीक हो जाए। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.